नंबर टूट रहा है क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाय का ट्रेनिंग कहाँ से ले? चाय बनाते बनाते सीख। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी खुद केतली में बेचते थे, कब बेचते थे मुझे क्या पता, बस सुनते आ रहे हैं। घर वाले को बोले पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई क्या करेंगे, जो दरभंगा में तो वही पटना में कर रहे हैं। आप सबका किस्मत प्रधानमंत्री जैसा नहीं है कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री पटना के मरीन ड्राइव पर मौजूद है और देख लीजिए पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली का एक नया ठेला लगा है और इसीलिए यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा भी था। डायरेक्ट हम बात करना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? नाज बानो। नाज बानो, कैसे कहाँ से आइडिया आया ये चाय वाला? सबको देखे इसीलिए मतलब आ गया कि हम भी चाय का ठेला लगा लेते हैं। नहीं तो कुछ और करते हैं। कुछ और करते हैं क्या, मतलब समझे नहीं, कुछ और करते ये जो ना इसका आइडिया इसीलिए आया क्योंकि ये कम बजट में हुआ। अच्छा, हमारे पास बजट नहीं था। अच्छा, सच में पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप? हाँ जी। कौन सा कॉलेज से? सीएमआर कॉलेज। अच्छा, दरभंगा। दरभंगा से तो यहाँ पटना में रहती है? कब लगाए ठेला? वन वीक हो गया। वन वीक हो गया, आज पूरा मीडिया का जमावड़ा था यहाँ पे। हाँ जी। कितना मीडिया आया आज? वही जितना जो जितना जने आप देखे वही है, मतलब 20-30 आ गया। अरे नहीं हद है, 10-15 ना। 10-15 भी कहाँ होगा। तो कितना आज कमाई, कितना तारीफ सुन रहे थे चाय एकदम अच्छा बना रहे हैं, कहाँ से ट्रेनिंग कहाँ से लिए? चाय का ट्रेनिंग कहाँ से ले? चाय बनाते बनाते सीख। अरे नहीं, कैसी बात कर रहे हैं? मोदी जी खुद केतली में बेचते थे, कब बेचते थे मुझे क्या पता, बस सुनते आ रहे हैं। तो यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, यहाँ मैं अकेले रहती हूँ हॉस्टल में। मतलब ग्रेजुएट चाय वाली से आइडिया आ गया कि हम भी पोस्ट ग्रेजुएट लेके चाय मतलब ठेला लगा लेते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कम बजट था, सोचा कि चाय कम बजट, हाँ इसीलिए किए, नहीं तो कुछ और करते। आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अच्छा खासा पढ़ाई। हाँ, कोई नौकरी भी कर सकते थे। कितना पैसा कमाओगे होम ट्यूशन? बहुत, एक बच्चा में आपको 3,000 मिलता अगर आपके पास एजुकेशन है तो। हाँ, हम कहाँ, लोग तो यही कहेगा ना कि भाई ये ठेला लगाने का ये सब बकवास आइडिया, पढ़े लिखे रहते तो ये आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है। अच्छा। मन होगा तो बंद करो, मन होगा तो फिर चालू करो। हम ट्यूशन में ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता है क्या? नहीं होता, नहीं। पहली बात, दूसरी बात, दरभंगा में नहीं देता उतना पैसा। अच्छा, मैंने काफी सालों बिताए दरभंगा। कितना खर्च हुआ इस ठेला में? इस ठेला नहीं, पहले कुछ और ठेला था, फिर छोटा सा टेबल। अच्छा, इसमें तो बहुत पैसा कमा कर दिए ठेला। कितना भर दिन में कितना हो जाता है? भर दिन में क्या, शाम में 6 बजे के बाद खुलता ही है। हाँ, शाम में 6 बजे कितना कितना हो जाता है? 50 कप्स। 50 कप अंडर। पापा मम्मी को पता है? नहीं, अरे पता नहीं, तो अभी नहीं पता। तो अभी तो न्यूज चलेगा तो पता चल जाएगा। नहीं, दरभंगा में स्टार्ट किए थे ना तो घर वाले को पता नहीं था, फिर जब पता चला तो बोले बंद कर दो, बोले धीरे धीरे बंद कर देंगे। अब वही हुआ, लास्ट में बंद करके पटना आए, फिर घर वाले को बोले पढ़ाई करने जा रहे हैं, पढ़ाई क्या करेंगे, जो दरभंगा में तो वही पटना में कर रहे हैं। तो और स्टूडेंट का हिम्मत तोड़ रहे हैं ना, और भी पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन कर रहा है। हाँ, उसका हिम्मत टूट रहा है क्या? टूट रहा आपके वजह से। सुने सुने सुने, एक मिनट एक मिनट, क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हिम्मत टूट नहीं रहा उनका, हिम्मत और झूठ रहा है। क्यों, कैसे नहीं? पढ़ने के बाद जॉब मिलता है क्या? जॉब मिलता है पढ़ने के बाद? नहीं मिलता। कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? कितना परसेंट को जॉब है, कितना परसेंट को जॉब है बताइए। मतलब आपका कहना है कि देश में जॉब नहीं है? नहीं है, बिहार में जॉब नहीं है। नहीं है, एक वक्त था कि ग्रुप डी सी का जब वैकेंसी निकलता था तो बोलता धूल वही भरेंगे, झाड़ू लगाना पड़ेगा। अब इंतजार तो, में है उनका। अभी टीचर का नौकरी लेने के लिए क्या? वही तो, अब कोई टीचर बन पाएगा? नहीं बनेगा। बीपीएससी इंक्लूड कर दिया। बीपीएससी एक समुंदर है, जिनको नहीं पता है उनसे जाके पूछिए बीपीएससी क्या है। क्षमता है, कैपेसिटी है, वो बनेगा, वो जरूर बनेगा। हाँ, कहे ना बनेगा, सुनिए सुनिए, कहे सुनिए, हाँ कहे नहीं बनेगा। बीजेपी का राज है यहाँ, आपके पास पैसा है, पावर है तो बनोगे, बिना पढ़े हुए कलेक्टर बनता है? हम नहीं बन सकते, हम गरीब है। आप भी बीपीएससी निकालिए ना, आप भी पास करिए। हाँ, आपको भी नौकरी। हमारे यहाँ 10,000 वैकेंसी निकलता, 10 लाख स्टूडेंट भरता है। स्टूडेंट रहता है, स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, नौकरी नहीं है, चाय का ठेला लगा। नहीं नहीं नहीं, देखो पढ़ो, ऐसा नहीं, हम ये नहीं बोले कि पढ़ाई नहीं करो, पढ़ाई करो, जॉब भी करो। अगर जॉब नहीं हो रहा तो आप क्या करोगे? आपको अगर पैसे की जरूरत है तो क्या कीजिएगा, कुछ तो कीजिएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बस कुछ करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं हम। जब सबको चाय का दुकान ही खोलना होगा, चाय का ठेला ही लगाना होगा, तो नहीं तो सब पास करने की क्या जरूरत है भाई, अंगूठा छाप ही चाय बेच सकता है। इंसान इसलिए पढ़ाई करता है कि हमको जॉब करना है, इसलिए पढ़ाई करता है। आगे चल के जॉब नहीं मिलता लास्ट में क्या करेगा? मैंने तो ऐसा थोड़ी इनकी पढ़ाई नहीं किया, डायरेक्ट आके डाल दिया स्टॉक। अब सबका किस्मत प्रधानमंत्री जैसा नहीं है कि चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन जाए। जरूरी क्या, सब पढ़ाई करता तो कलेक्टर ही बनता है।
नहीं, सब रोजगार ही होता है, नहीं ना? तो बस सीधा बात है भैया, देश में जॉब नहीं है, बिहार में जॉब नहीं है, इसलिए देख लीजिए एक गरीब बेटी है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करके मरीन ड्राइव पे अपना ठेला लगाई हुई है, ठीक है? हाँ, दरभंगा से है ये, और वहाँ पे इन्होंने पहले खोला लेकिन वहाँ नहीं चला, जिसके बाद मरीन ड्राइव पे आके ये अपना ठेला लगाई हैं। यहाँ पे मीडिया का जमावड़ा था और इनका साफ कहना है कि देश में बिहार में जॉब नहीं है, तो भैया हम क्या करें, पोस्ट ग्रेजुएशन करके हम यहाँ पे चाय बेच रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई और रोज़गार है नहीं। अगर आपके पास कोई रोज़गार होगा नहीं तो आप क्या कीजिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यही हाल है। बाकी देख लीजिए मरीन ड्राइव पे एक चाय का दुकान फिर से एक नया लग गया।